स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। तो ये है हमारा मलबेरी का प्लांट जो कि पिछले साल हमने हार्वेस्टिंग करके लगाया था। ये देखिए लीटर की स्टाइल की तरह, और उसके आप देख सकते हैं लीफ मुरझाने वाले हैं, और अब यहाँ स्वेलिंग दिख रही है। नहीं देखिए यहाँ ये टॉप पे, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ। तो ये साइन है कि उसको हम रिपोर्टिंग कर देते हैं, यानी कि ये जाग रहा है डोरमेंट कंडीशन से। ये इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, हमने जो भी स्टाइल किया था उसके बाद भी यहाँ एक कुछ ग्रोथ है, और यहाँ भी एक स्वेलिंग है, यानी कि ये टाइम है उसका रिपोर्टिंग का मेरे ख्याल से। तो क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद भी सर्वाइव होता है या नहीं अच्छे से मुझे नहीं पता, क्योंकि एक प्लांट था जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया था। क्योंकि अगर आप उसको प्रूनिंग भी करते हो तो अगले ये इंटरनोड तक ये मर ही जाता है, और कभी कभी तो प्लांट पूरा डाइबैक होके नीचे से फिर से ग्रो करने लगता है। तो चलिए इसके साथ क्या कर सकते हैं हम। तो पहले तो मैं डिफोलिएट करूँगा और बाद में उसका रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। पहले जो भी एक्स्ट्रा मास हो वो हटा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टाइल ऊपर से शुरू हो रहा है, क्योंकि अच्छे से ये डैमेज पार्ट वाला है। तो यहाँ जो कोई भी बीच में कुछ जो कोई भी ग्रोथ हुआ है उसको मैं हटा लूँगा। पिछली बार जब भी हमने यहाँ ट्रिमिंग करके लगाया था, यानी कि ट्रिमिंग भी किया था, तो उसमें हमने एंटी फंगस पाउडर लगा दिया था पानी में घोल के, और अच्छे से ये डाइबैक नहीं होगा हुआ है। और यहाँ देखिए हीलिंग हो चुका है, यानी कि नई वाउंड क्रिएट हो चुका है। तो चलिए उसको भी मैं चाहता हूँ थोड़ा ट्रिमिंग कर लेते जिससे कुछ नया ग्रोथ मिल पाए। वैसे तो मैंने ये एज अ सेफ्टी ही रखा था नीचे का ये स्टेम, क्योंकि ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे तो ये जा भी सकता था। तो चलिए जल्दी से ट्रिमिंग कर देते हैं। तो डिफोलिएशन में तो इजी है दोस्तों, कई बार हमने किया है, जल्दी से लीफ हटा लेना है क्योंकि अब न्यू ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। तो अगर इस तरह से न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे और कुछ लीफ अभी भी है तो उसको हम हटा लेंगे, तो जो भी ग्रोथ होगा वो इक्विवेलेंट होगा, यानी प्लांट एक साथ ग्रो करना शुरू कर देगा। यहाँ एक एक्सेस ब्रांच है, यहाँ भी कुछ जगह पे वायर बाइट्स भी है, बाद में हटाएंगे, पहले तो देखना है कि ये कैसे सर्वाइव होता है। इसलिए मैं इसको मैंने कितने दिनों से नज़र रखे हुए था इस पे, मैं सोच रहा था कि सभी लीफ जड़ेंगे पहले और फिर ये स्प्राउटिंग करेगा, मगर आज जब देखा तो बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है ये। तो इमीडिएटली मैंने सोचा कि आज क्यों ना उसका रिपोर्टिंग ही कर दें। तो थोड़ा संभाल के करना है इस प्लांट को। अगर एक दो शॉट्स में यह ज़्यादा ग्रो हो चुका था तो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो आगे चला गया था। तो इसके साथ ही हमें चल रहा है, जो भी नए शॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसके आगे, यानी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है तो उसको हमें निकाल देना होता है जिससे सभी ग्रोथ इक्विवेलेंट हो जाए। चलिए प्लांट को निकालते हैं पॉट से। तो उसको मैंने एंकर नहीं किया है कहीं से भी, तो ऐसे ही खींच के निकालना पड़ेगा। देखिए ये इजी ओपन हो गया है, बहुत अच्छा रूटिंग है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रूट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए कुछ निकाल देते हैं। और अगर वही पॉट इस्तेमाल करना है तो उसकी धुलाई करनी ज़रूरी होती है, तो वो हम कर लेंगे। तो चलिए पहले कुछ कुरेद लिया जाए, कुछ अगर एक्स्ट्रा रूट लगेंगे तो हम निकाल देंगे।
फाइकस की तरह उसमें भी लिक्विड निकलता है, बहुत ही अच्छा फाइन रूटिंग हुआ है दोस्तों, तो ये अच्छा साइन है। ये कुछ मिर्ची के प्लांट है जो कि मैं दूसरी जगह लगा दूंगा। कुछ मिर्ची के प्लांट एज अ बोंची बनाने वाला हूँ, मिर्ची से जो भी बनता है उसको बोंची बनाते हैं, तो उसको मैंने कैसे ग्रो किया है उसका एक होल वीडियो तैयार हो रहा है। जैसे वो तैयार होगा मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, या फेल हुआ तो नहीं भी कर सकता, क्योंकि जब से मैंने रिपोर्टिंग किया था तब से उसका मैं अपडेट ले रहा हूँ, अभी ग्राउंड में है कुछ दिनों से, तो कुछ और चीज़ चाहिए जिससे मैं अच्छे से निकाल सकूँ। बहुत ज़्यादा हम ट्रिमिंग नहीं कर सकते उसका मेरे ख्याल से, तो जितना इजीली निकल गया है उतना ही रखते हैं। और चलिए रूट ट्रिमिंग हो जाए कुछ, तो अगर हमारा प्लांट इस तरह से रूटिंग करने लगे तो समझ ले कि हम अच्छे डायरेक्शन में है, यानी कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि इस तरह का थोड़ा फ्लैट रूट बेस मिल जाता है तो हमारा प्लांट अच्छे से डेवलप करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छे रूट है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये अच्छे से सर्वाइव होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ नीचे भी कुरीद लिया जाए, यहाँ देखिए ये सब रिजल्ट लगता है ब्रिक बाइट की वजह से, तो बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, इतना इनफ है। तो चलिए इससे आगे नहीं, तो चलिए पोर्ट में सोइल भर लेते हैं। तो पहले थोड़ा मोटे टुकड़े चाहिए, वो फंस जाएंगे अच्छे से ड्रेनेज होल में, तो ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना हो सके बहुत ही स्पीड में काम करना होता है ये सब। तो चलिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने कोई ध्यान नहीं रखा कि कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए ईंटों का, छोटे बड़े सब है। कुछ बड़े टुकड़े मैंने निकाल लिया है, तो अभी अभी मैंने उसको ये सोइल भरने से पहले थोड़ा सा मैंने किया है पानी का स्प्रे, और उसको अच्छे से बिठा लेते हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा प्लांट है और कहाँ किधर रखना है, ये पॉट इक्विवेलेंट है, यानी कि अभी भी ये ग्रोइंग पॉट है, तो एक दो साल में ये अच्छे से डेवलप होगा। और इस तरह से अगर अच्छे फ्लैट रूट प्रोड्यूस करने लगता है तो हम उसको बोनसाई पॉट दे सकते हैं। चलिए सॉइल ले लेते हैं, तो इस बार हमने अच्छे से वेल ड्रेन सोइल दिया है। पिछली बार मैंने जो दिया था उसमें मिट्टी भी थी, तो वो हमने इस बार स्किप कर दी है। आई होप कि ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। चलिए अब मिट्टी को प्रेस करने की बारी है। चलिए पहले ही हमने दबा लिया है, यानी उसके नीचे तो ज़्यादा स्पेस नहीं होगी,
अगर एज पे रूट्स के एज पे ये इस तरह से प्रेस करना ज़रूरी है। और ये बहुत ही बड़ा, 1 मीटर से भी लंबा प्लांट है मेरे ख्याल से, शायद 1 मीटर का हो सकता है। और आजकल बड़े प्लांट का भी फैशन है, लोग बड़े बड़े प्लांट बना रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा रूट की ट्रिमिंग भी नहीं हुई है, जो फाइबर जैसे रूट्स थे उसको ही मैंने ट्रिम किया है। अच्छे से दबाना है, कुछ ही दिनों में जैसे ही उसमें अच्छे से ग्रोथ शुरू होगा मैं अपडेट दूंगा, और थोड़ी सी वायरिंग एंड स्टाइल भी करेंगे, क्योंकि अभी नया स्वेलिंग आ रहा है तो मैं वायरिंग नहीं करना चाहता। वैसे भी एक्स्ट्रा ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है, तो आज के लिए तो इतना ही ठीक है दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ इस तरह के बहुत सारे वीडियो, रिपोर्टिंग, पॉटिंग, हार्वेस्टिंग, पॉट मेकिंग, सब कुछ मिलेगा, कुछ नया सीखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ज़रूर बताइए हमें वीडियो कैसा लगा, और कोई सुझाव हो या कुछ भी पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।